दोस्तों, आज मेरे पास एक नोकिया का फ़ोन है और ये वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो मॉडल नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मॉडल नंबर है इसका नोकिया TA1010, 1010 मॉडल है। और कस्टमर का कहना है कि मैंने कहीं और भी दिया था बनाने के लिए, तो डिस्प्ले लगा के देखा लेकिन वाइट आ रहा। तो हम इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, जड़ बताऊंगा कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम इस मॉडल में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इतनी डिटेल से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मैंने भी देखिए, ये जो है इसका एक ही डिस्प्ले और एक ये दो डिस्प्ले लगा के देखा, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है एक बार और चेक कराता हूँ। ये देखिए, नई डिस्प्ले है, इसका भी जो है पन्नी भी यहाँ देखिए नहीं निकला है। तो मैं देखिए निकाल देता हूँ इसको। ठीक है, देखिए नई डिस्प्ले है, पन्नी अभी निकाला मैंने, ऑन करके देखते हैं। तो वाइट डिस्प्ले आ रही है। करना है कि आप देख सकते हैं कि एक बार रिसोल्व करके देख लें, अगर होता है तो सही है और नहीं होता है तो और एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ दोस्तों। तो मैं सिर्फ इसी तरह आपको रिसोल्व करके दिखा दिया, क्योंकि आपको भी ऐसा ही करना है। पहले रिसोल्व करके देखना है, उसके बाद दूसरा डिस्प्ले लगा के देखना है। उसके बाद नहीं होता है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करना है। अच्छी तरह से सबसे पहले जो है इसके पॉइंट को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि आपस में शॉर्ट हो जाता है तब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। हम एकदम अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिए हैं, और साफ़ करने के बाद जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ है, और बजे रेंज पर रखने के बाद आपको इस तरह से चेक करना है। हर एक पॉइंट में आपको या तो रीडिंग शो करेगा, या तो फिर जो है ग्राउंड बीप का साउंड सुनाई मिलेगा, या फिर वन रीडिंग आएगा। ठीक है, जिस पॉइंट में अगर आपका कुछ भी रीडिंग नहीं शो कर रहा, समझ लीजिए प्रॉब्लम वहीं पे है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक करके चेक करेंगे। ये ग्राउंड बीप बता रहा है, ग्राउंड है। दूसरा नंबर में रीडिंग आ रहा है, तीसरे नंबर में रीडिंग आ रहा है, चौथे नंबर में बीप का साउंड आ रहा है, पांचवें नंबर में कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मुझे एक समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम समझ में आ गया तो बस इसी में कूद जाना, ऐसा नहीं। हम फिर छठे नंबर में जाते हैं, छठे नंबर में रीडिंग शो कर रहा है, सातवें नंबर में देखिए दोस्तों रीडिंग नहीं आ रहा, कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा सातवें नंबर में, और आठवें नंबर में रीडिंग आ रहा है, नौ नंबर में ग्राउंड है, दस नंबर में रीडिंग आ रहा है, ग्यारह नंबर में रीडिंग आ रहा है, बारह नंबर में भी रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका पाँच नंबर और सात नंबर, ये दो पॉइंट में आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो इसके पाँचवें नंबर ट्रैक ख़राब होता है ज़्यादातर फ़ोनों में। मैंने बहुत फ़ोन ऐसा रिपेयर किया है इसलिए मुझे आइडिया हो गया। तो पाँच नंबर ट्रैक इसका जाता ही जाता है। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आ गया है कि पाँच नंबर ट्रैक जो है मेरा, आपको इस तरह करके पाँच नंबर में यहाँ पर रख के इस तरह करके चेक करना होगा। तो वो ट्रैक कहाँ जा रहा है किसे ध्यान से देखना होगा आपको। जितना भी ट्रैक जो है, ये देखिए एक लाइन से जो है यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन से सारा ये कंपोनेंट में गया है, ये कंपोनेंट में गया है, और यहाँ तक ये कंपोनेंट में गया है। बाकी ये ट्रैक जा रहे, सारे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारा कंपोनेंट आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा, 100% इस फ़ोन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें क्या करना है कि मुझे प्रॉब्लम पता चल गया कि पाँच नंबर और सात नंबर में प्रॉब्लम है।
ठीक है। तो जो एलसीडी मैंने देखी वही वाली एलसीडी है, जो एलसीडी मैंने खोली थी उसी एलसीडी को हम फिर से रिसोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं, ताकि पेस्ट लगाने से मेरा जो है ये आपस का पॉइंट जो है शॉर्ट ना करे, आपस में एकदम शॉर्ट ना करे, क्योंकि अगर ये शॉर्ट कर जाएगा तो हम ट्रैक मार के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा जंपर मार के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो वाइट ही आएगा। एकदम अच्छी तरह से सोल्ड करें दोस्तों, ताकि आपको सोल्ड करने के बाद एक चीज़ और ध्यान देना है कि कहीं भी कोई भी मेरा ट्रैक, ठीक है, मैंने चेक किया है और ट्रेसिंग करने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि मुझे कहाँ 5 नंबर और 7 नंबर का ट्रैक मेरा कहाँ पे जा रहा है, तो मैं वहाँ पे जंपर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने इस तरह करके ट्रेसिंग किया है, तो यहाँ से ये 5 नंबर ट्रैक मेरा इस पर यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे जा रहा है, और 7 नंबर वाला जो ट्रैक है वो मेरा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जिस साइड में ग्राउंड होगा उस साइड में नहीं देना आपको, ठीक है। जिस साइड में रीडिंग शो करेगा, ये देखिए यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है, यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है, तो यहाँ पे देना है। ग्राउंड में देने से आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। और इसमें भी देखिए यहाँ पे ग्राउंड शो कर रहा है और इस साइड में मेरा रीडिंग शो कर रहा है, तो हमें इस साइड में देना है। तो चलिए हम जंपर लगा के देखते हैं कि काम मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैंने जंपर कर दिया दोस्तों, और जंपर करके मैं आप लोग को पहले ऑन करके दिखा देता हूँ कि ये लाइट मेरा डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके बाद मैं आप लोग को दिखा दूँगा कि कहाँ कैसे कैसे जंपर मैंने लगाया है। तो देखिए दोस्तों, अभी देखिए मेरा नोकिया लिखा हुआ आ गया, ठीक है दोस्तों। यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जेन्युइन चीज़ें मैं बताता हूँ हमेशा, ठीक है दोस्तों। कोई भी देखिए ये वाला मेरा 5 नंबर का ट्रैक जो है, यहाँ से मैंने 5 नंबर से उठा के एक 5 नंबर में लगाया है, एक 7 नंबर में लगाया है, ठीक है। अब 5 नंबर वाला ट्रैक मेरा जो है इस कॉम्पोनेंट में, यहाँ से 3रे नंबर के कॉम्पोनेंट में इस कैपेसिटर के इस साइड में लगाया है, और 7 नंबर पॉइंट वाला जो है मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। सारा आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ट्रेसिंग करना होगा। मैंने ट्रेसिंग का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दोस्तों उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए मैं ट्रेसिंग का वीडियो आप लोग को कट करके दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।